वेलकम टू ऑल इन मॉडर्न गुरुकुला। टुडे वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जीके दैट इज यूजफुल फॉर ऑल योर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन इज द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूएंट अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फाइनेंस कमीशन आपके कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, एंड द ऑप्शन आर आर्टिकल 270, 280, 226 एंड 245। सी, फाइनेंस कमीशन आपका इंडिया में कब आया था, इन द ईयर 1951, एंड कौन से आर्टिकल के अंदर एस्टेब्लिश हुआ है, आपका आर्टिकल 280। और काम क्या करता है ये, आपका रिलेशन बताता है बिटवीन किसके बीच में, सेंटर एंड स्टेट के बीच में। अभी तक आपके कितने नंबर ऑफ कौन सी फाइनेंस कमीशन अभी आपकी चल रही है, द नंबर इज 15। सो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 280। हु बिल्ट द ताजमहल, आपसे पूछा है ताजमहल किसने बनाया था। ऑप्शन आर शाहजहां, शेरशाह, नादिर शाह एंड जहांगीर। द करेक्ट आंसर इज शेरशाह। सी सम फैक्ट अबाउट द शेरशाह, यू कैन रीड दिस एंड द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द ताजमहल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस, दैट इज द उस्ताद अहमद लाहौरी, एंड दूसरा आपका था मीर अबल उल कलाम। ये आर्किटेक्ट का नाम आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड लोकेशन आपको पता ही है, आगरा इंडिया। शेरशाह के बारे में आप यहाँ पे से रीड कर लेना। नेक्स्ट, द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय, आपसे पूछा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसने फाउंड की थी। ऑप्शन आर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त एंड हर्षवर्धना। द करेक्ट आंसर इज कुमारगुप्त। यू कैन सी दिस इज द नालंदा यूनिवर्सिटी, एंड कहाँ पे सिचुएटेड है आपका नालंदा यूनिवर्सिटी, इन इंडिया, दैट इज बिहार। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज इन ड्रिंकिंग वाटर एज एन, आपसे पूछा है ब्लीचिंग पाउडर कैसे यूज किया जाता है। ऑप्शन आर कोगुलेंट, डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक। सी, द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज डिसइंफेक्ट। डिसइंफेक्ट का मतलब होता है जो आपका बैक्टीरियाज को किल करता है। एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का आपका केमिकल नेम क्या है, आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड केमिकल फॉर्मूला इज CaOCl2। एंड ब्लीचिंग पाउडर को ऑल्सो अदर नेम, दैट इज क्लोराइड ऑफ लाइम। अदर नेम इसको किससे जानते हैं, क्लोराइड ऑफ लाइम से। एंड यूजेस देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है आपका। ये आपका यूज एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, डिसइंफेक्टिंग का मतलब होता है जो आपका बैक्टीरिया को किल करेगा। तो ड्रिंकिंग वाटर में आपके बैक्टीरियाज को किल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इसका किस अदर यूज़ क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म एक्सेप्टा इसके यूजेज हैं। द करेक्ट आंसर इज डिसइंफेक्टिंग। नेक्स्ट, द पी एच ऑफ लेमन जूस इज एक्सपेक्टेड टू बी इक्वल टू 7, नथिंग कैन बी प्रिडिक्टेड मोर देन 7 एंड लेस देन 7। सी, जब आपका पी एच 7 होता है तो उसको हम बोलते हैं आपका न्यूट्रल, और जब 7 से कम होता है तो हम उसको बोलते हैं एसिडिक, और जब 7 से ज़्यादा होता है तो उसको हम बोलते हैं बेस। तो अब यहाँ पे आप लोग देखिए, आपसे किसका पूछा है, लाइम जूस का, तो देखेंगे सॉरी लेमन जूस का। तो लेमन जूस का पीएच कितना है आपका, 2, तो यानी कि क्या है आपका, लेस देन 7। तो द करेक्ट आंसर इज लेस देन 7, और नेचर कैसा होगा इसका, आपका एसिडिक। अब यहाँ पे फर्दर इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। पीएच 6 आपका किसका, पीएच 7 आपका किसका होता है, प्योर वाटर का, मिल्क का पीएच आपको दिया है 6, ब्लैक कॉफ़ी, टमेटो जूस, ये सारे आपके कैसे हैं नेचर में, एसिडिक। और जिनका पीएच लेवल 7 से ज़्यादा होता है वो सारे कैसे होते हैं आपके नेचर में, बेसिक। यहाँ पे आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन एग्जाम्पल्स देख लेना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लेस देन 7, दैट इज एसिडिक। नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो नोन एज, आपसे पूछा है कि वॉशिंग सोडा को किस नाम से जानते हैं। एंड ऑप्शन आर सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एंड फॉस्फोरस। द करेक्ट आंसर इज सोडियम कार्बोनेट। अब इसके यूजेस देख लेते हैं हम। यूजेस इन मेकिंग सोप, सोप बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, वॉशिंग पाउडर में, और इसका यूज़ आपका एक क्लींजिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। ये सारे आपके मैन्युफैक्चरिंग पेंट, ये सारे आपके वॉशिंग सोडा के एग्जांपल्स हैं। बेकिंग सोडा इज ऑल्सो नोन एज, अब आपसे पूछा है कि बेकिंग सोडा कैसे यूज़ किया जाता है। एंड ऑप्शन आर सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ब्रोमाइड।
द करेक्ट आंसर इज सोडियम बाइकार्बोनेट। सी सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका केमिकल फॉर्मूला है आपका NaHCO3। और इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? मेनली यूज्ड इन कुकिंग, बेकिंग, हाइजेनिक सच एज इन टूथपेस्ट, और आपका एज अ क्लींजिंग एजेंट, ये सब चीज़ों में आपका बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। वट इज़ द रेशियो ऑफ RBC टू WBC? अब सी हमारे इसमें आपकी तीन टाइप की वो होती हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। अब आपसे किस किस के बीच में रेशियो पूछा है? WBC और RBC के बीच में। एंड ऑप्शंस आर 1:600, 600:1, 1:900 एंड 500:1। सी RBC आपकी नंबर में ज़्यादा होती है, तो आप इससे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। पहले आपको RBC एंड WBC दे रखा है, तो यानी कि दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए। अब बचे हैं आपके दो ऑप्शन, तो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 600:1। नेक्स्ट, विच सिटी इज द सिलिकन वैली ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद एंड बेंगलुरु। द करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु, बिकॉज बेंगलुरु को हम लोग IT हब भी बोलते हैं, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी आपकी इंडस्ट्री हैं। देखिए जिससे आप लोग देखेंगे यहाँ पे दे रखा है सर्वाइवल रिसर्च लैब्स हैं वहाँ पे, इसी वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका सिलिकन वैली ऑफ इंडिया। एंड अदर नेम इज ऑल्सो IT हब ऑफ इंडिया, दैट इज बेंगलुरु। इन विच ईयर दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया? कौन से साल में दिल्ली आपकी कैपिटल ऑफ इंडिया बनी थी? एंड ऑप्शंस आर 1911, 1912, 1910 एंड 1905। द करेक्ट आंसर इज 1911। एंड सम अदर फैक्ट अबाउट द दिल्ली, दैट इज मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस आर सिचुएटेड इन दिल्ली। फॉर एग्जाम्पल इंडिया गेट, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, हुमायूं टॉम एक्सेट्रा, दीज आर द वेरी फेमस प्लेसेज इन दिल्ली, यू शुड नो अबाउट दैम। नेक्स्ट, विच डिजीज इज कॉज्ड बाई द बाइट ऑफ मैड डॉग? आपसे पूछा है कि मैड डॉग के काट लेने से कौन सी बीमारी होती है? एंड ऑप्शन आर ल्यूकोडर्मा, हाइड्रोफोबिया, हाइपरटेंशन, एर्थिटिस। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज हाइड्रोफोबिया। सी कैसे ये आपके ब्रेन को इफेक्ट करता है, यहाँ पे मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बता दिया है। जस्ट सबसे पहले देखो, वायरस एंटर करेगा किससे आपका? एनिमल के बाइट करने से। कहाँ पे करेगा? वायरस रेप्लिकेट इन द मसल एट द साइट ऑफ बाइट। देन आप देखिए ऊपर जाएगा सारा, आपको यहाँ पे सिस्टमेटिकली दिया है, एक बार आप लोग इसको रीड कर लेना। नेक्स्ट, विच मेटल इज यूज फॉर जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर? न्यूक्लियर पावर के जनरेशन के लिए कौन सा मेटल यूज किया जाता है? ऑप्शंस आर थ्रोमियम, यूरेनियम, वाटर एंड फॉसिल्स। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज यूरेनियम। सी यहाँ पे आपको इंडिया में मेजर न्यूक्लियर प्लांट आपको दिखा दिए हैं, आप लोग एक बार इसको जरूर देख लेना। दिस वन इज शोज द ओपनिंग साइट जो अभी बन रही है, और ये आपका दिखा रहा है जो न्यू साइट्स है कहाँ कहाँ पे हैं, ये मैप के थ्रू यहाँ पे आपको दिखाया है, आप लोग एक बार देख लेना। फॉर एग्जांपल जैसे गोरखपुर आपका है, यहाँ पे देखेंगे आप लोग करकरपुर, यहाँ पे सारे सारे अलग अलग स्टेट वाइज आपको दिखाया है, आप लोग एक बार इसको देख लेना। नेक्स्ट, बाई हुम इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड? आपसे पूछा है लोकसभा का स्पीकर कैसे इलेक्ट होता है? सी सबसे पहले तो देखिए, पार्लियामेंट में आपके दो हाउस होते हैं, लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा इज आपका लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज अपर हाउस। लोकसभा का हेड होता है आपका स्पीकर, और राज्यसभा का हेड होता है आपका चेयरमैन। तो जो राज्यसभा का हेड होता है, इसके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता है। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे क्या बन जाते हैं? राज्यसभा के चेयरमैन। तो अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि लोकसभा के उसको स्पीकर को हम कैसे इलेक्ट करते हैं। एंड ऑप्शंस आर ऑल द मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा से हमें कोई मतलब नहीं है, राज्यसभा आपका अपर हाउस है, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑल द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। नेक्स्ट, राज्यसभा, फिर यहाँ पे राज्यसभा दे दिया है, तो राज्यसभा से कोई मतलब नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट, पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया का हाउस से कोई मतलब नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑल द मेंबर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट, विच प्लैनेट इज नोन एज द अर्थ ट्विंस? अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये प्लैनेट कितने हैं अभी। सी सबसे पहले हमारे सोलर सिस्टम में पहले 9 प्लैनेट थे, बट अभी आपके कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट हैं। 9th प्लैनेट आपका कौन सा था? प्लूटो। प्लूटो अब आपका क्या है? एक ड्वार्फ प्लैनेट है। अब हम देख लेते हैं, ये पूरा सोलर सिस्टम है आपका, पूरा सोलर सिस्टम में सन आपका मेन एनर्जी सोर्स होता है,
तो सबसे पहले आपका कौन से प्लेनेट है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। उसके बाद आपके ये आपके इनर प्लेनेट हैं और ये आपके आउटर प्लेनेट हैं जो सन से क्या है आपके दूर हैं। कौन कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब आपसे पूछा है कि अर्थ की ट्विन कौन है, तो अर्थ की ट्विन आपकी कौन सी होती है? वीनस, द नेक्स्ट प्लेनेट ऑफ अर्थ। अर्थ के जस्ट पहले वाला प्लेनेट है आपका कौन सा? वीनस। तो द करेक्ट आंसर इज वीनस। नेक्स्ट, विच आर्टिकल इज रिमूव रिसेंटली दैट इज रिलेटेड टू द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 अलग करता था इंडिया से, जो अभी क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अदर ऑप्शन आर 300, 110 एंड 248, ये गलत है। आपके करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 370। और इसके साथ साथ आपका आर्टिकल एक और आर्टिकल हटाया, आप मुझे ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ये कौन सा आर्टिकल है। सी, अब जम्मू एंड कश्मीर को आपका यहाँ पे मैप में देखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर को अब आपका दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, दैट इज़ दो यूनियन टेरिटरी बना दी, एक आपकी जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी आपकी लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर में आपकी लेजिस्लेटिव है, लद्दाख में आपका लेजिस्लेटिव नहीं है। तो अब कौन सा आर्टिकल आपका हटा है? आर्टिकल 370। अब जम्मू एंड कश्मीर आपका स्टेट नहीं रहा, अब आपके क्या हो गया है, ये दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया है। द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 370। नेक्स्ट, विच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन? ऑप्शंस आर पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। आपसे पूछ रहा है कि कौन सी ग्लैंड बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन होती है। सबसे पहले देख लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड आपकी प्रोड्यूस करती है एंड सीक्रेट करती है किसको? हारमोन्स को इन द ब्लड स्ट्रीम, फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करती है? सीक्रेट करती है किसके थ्रू? डक्ट के थ्रू, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका सेलिवरी ग्लैंड। अब इनमें से पूछा है आपसे, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, पिट्यूटरी ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड हट गया आपका, अब तीन ऑप्शन बचे हैं। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पेनक्रियाज। नेक्स्ट, विच सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर कॉटन? आपसे पूछा है कॉटन के लिए बेस्ट सुटेबल क्रॉप कौन सी, सॉइल कौन सी होती है। एंड ऑप्शन आर रेड सॉइल, रिगुर सॉइल, एल्यूवियल सॉइल और लोम। रिगुर सॉइल इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ ब्लैक सॉइल। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज रिगुर सॉइल। अब आप देखेंगे इंडिया के मैप में कि ये देखिए आपको कहाँ कहाँ पर आपकी ब्लैक सॉइल है, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला कलर देखिए ध्यान से, तो इस पूरे पार्ट में आपकी कौन सी सॉइल होती है? ब्लैक सॉइल। और ये आपको दिखा रहा है रेड एंड येल्लो सॉइल, आप लोग डायग्राम को एक बार देख लेना अच्छे से। फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल कहाँ पे होगी? आपकी हिली एरियाज में, तो ये वाला पार्ट हो गया आपका और नॉर्थ ईस्ट का ये पार्ट, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज दिस क्वेश्चन इज रिगुर सॉइल। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट वेस्ट लैंड एरिया? आपसे पूछा है कि कौन से स्टेट में आपका लार्जेस्ट वेस्ट लैंड एरिया है। ऑप्शन आर यूपी, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब। द करेक्ट आंसर इज राजस्थान। उसके बाद राजस्थान के बाद आप देखेंगे यहाँ पे किसके पास है, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसको एक बार देख लेना। नेक्स्ट, कलर ऑफ यूरिन इज येल्लो बिकॉज ऑफ? ऑप्शन आर यूरोबिलिन, पोटेशियम, एंडोफाइन, इंसुलिन। द करेक्ट आंसर इज यूरोबिलिन। फर्दर इन्फॉर्मेशन आप इसको एक बार रीड कर लेना अपने इन्फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट, हु हैज बीन कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया? नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? ऑप्शन समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्त, कुमार गुप्त एंड हर्षवर्धना। द करेक्ट आंसर इज समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्ता आपका गुप्ता एम्पायर का रूलर था। ये देखिए आप लोग, ये गुप्ता एम्पायर कहाँ से कहाँ तक आपका फैला हुआ था, पूरे इधर। क्यों बोलते हैं इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया? बिकॉज आपने देखा होगा नेपोलियन बोनापार्ट, ये आपका नेपोलियन बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव रूलर था, इसी वजह से, उसी करेक्टरिस्टिक की वजह से इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? एंड ऑप्शन आर गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन, यमुना बेसिन एंड गंगा बेसिन। द करेक्ट आंसर इज गंगा बेसिन। अब यहाँ पे जो बेसिन वर्ड लिखा है इसका मतलब समझिए, रिवर बेसिन आर एन ओपन सिस्टम विथ इनपुट एंड आउटपुट ऑफ वाटर। यानी कि जहाँ से आपकी क्या होती है रिवर आती, पानी आता भी है और क्या होता है आपका जाता भी है। जैसे देखो यहाँ पे आपको, आप इसको एक बार अच्छे से देखना, यहाँ पे आपको दिखाया गया है माउथ ऑफ रिवर, फिर यहाँ से आप लोग देखेंगे ये वाटर पूरा इधर उधर, देखो यहाँ पे पानी आ भी रहा है इधर से और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है, तो ये चीज आपकी क्या कहलाती है? बेसिन। तो द करेक्ट आंसर इज दिस क्वेश्चन इज गंगा। नेक्स्ट, विच रिवर ओरिजिनेट एट अमरकंटक? अब आपसे पूछा है कि अमरकंटक से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अमरकंटक क्या है। अमरकंटक आपका प्लेटू है। सी, दिस इज इंडिया मैप, ये आपका अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ पे है आपका? ये मध्य प्रदेश में। तो अब आपसे पूछा है
यहाँ से कौन सी रिवर ऑरिजिनेट होती है? ऑप्शन आर महानदी, गोदावरी, नर्मदा एंड कृष्णा। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज नर्मदा। अब हम लोग बाकी रिवर भी देख लेते हैं एक बार मैप में। ये है आपकी देखिए नर्मदा रिवर, यहाँ पे देखिए ध्यान से, और दूसरी ये रही आपकी कृष्णा रिवर, ये है आपकी गोदावरी रिवर। नेक्स्ट आपसे कौन सा पूछा है? महानदी, महानदी भी आपकी यहीं पे है। सारी की सारी रिवर आपकी इस साइड है। तो आप लोग एक बार इसको मैप में लोकेशन इनकी देख लेना। याद रखना अमरकंटक प्लेटू कहाँ पे आपका? मध्य प्रदेश में। और कौन सी रिवर यहाँ से ऑरिजिनेट होती है? नर्मदा रिवर। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड इज, आपसे पूछा है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? सी लेक सुपीरियर, लेक मिकीगन, लेक मालावाई, ग्रेट बियर लेक। द करेक्ट आंसर इज लेक सुपीरियर। अब हम इस लेक सुपीरियर की पोजीशन देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये आपका है कनाडा में, ये दिख रही है आपको लेक, लेक सुपीरियर कहाँ पे है आपका? ये कनाडा में। कनाडा यानी कि कौन से उसमें? नॉर्थ अमेरिका। ये वर्ल्ड मैप देखिए ध्यान से, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में आपको दिख रहा है कनाडा, तो लेक सुपीरियर कहाँ पे आपकी? नॉर्थ अमेरिका, कनाडा। याद रखना इसकी लोकेशन, ये रही लेक सुपीरियर, कौन सी कंट्री? कनाडा। कौन सा वो? नॉर्थ अमेरिका। बाकी देख लेंगे साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्कटिका। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, आपसे पूछा है कि कौन से दिन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है? ऑप्शन आर 5 जून, 8 जून, 5 अप्रैल एंड 21 अप्रैल। द करेक्ट आंसर इज 5 जून। अब इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए है कि इस बार 2019 में इसकी थीम क्या थी? द थीम इज बीट एयर पॉल्यूशन। दिस ईयर थीम इज बीट एयर पॉल्यूशन। और कौन सी कंट्री में होस्ट हुआ था आपका? चाइना में। चाइना आप लोगों को पता ही है कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो याद रखेंगे थीम बीट एयर पॉल्यूशन। विच इज अ लैंड लॉक सिटी, सॉरी लैंड लॉक सी, आपसे पूछा है कि कौन सी सी आपकी लैंड लॉक है? अब यहाँ पे लैंड लॉक का मतलब समझिए, लैंड लॉक का मतलब क्या होता है? जो हर तरफ से आपकी स्टेट से घिरी हो, कंट्री से घिरी हो, उसको हम लोग बोलते हैं लैंड लॉक। एंड ऑप्शन आर कैस्पियन सी, एराल सी, रेड सी एंड साउथ चाइना सी। द करेक्ट आंसर इज कैस्पियन सी। अब सी देखिए, ये आपका कैस्पियन सी है, चारों तरफ से आप देखेंगे कंट्रीज हैं। यहाँ पे देखिए कजाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तो चारों तरफ से आपकी किससे घिरी हुई है? आपकी कंट्री से। तो ऐसी स्टेट, ऐसी सी को हम क्या बोलते हैं? लैंड लॉक सी। तो करेक्ट आंसर इज कैस्पियन सी। नेक्स्ट, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज, अब आपसे पूछा है राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है? ऑप्शंस 260, 250, 210, 150। द करेक्ट आंसर इज 250। अब राज्यसभा वर्ड आया तो इससे रिलेटेड कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन। राज्यसभा का हेड कौन होता है? चेयरमैन। एंड द चेयरमैन इज, हु इज द चेयरमैन? चेयरमैन इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड करेंटली कौन है आपके, ये पर्सन कौन है आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? दैट इज, हर नेम इज वेंकैया नायडू। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, आपसे पूछा है प्लानिंग कमीशन का पहला चेयरमैन कौन था? अब यहाँ पे प्लानिंग कमीशन के रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके अब आपका नीति आयोग लाया गया है, तो नीति आयोग का चेयरपर्सन हमेशा कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कब लाया गया प्लानिंग कमीशन को, कब हटाया गया? इन द ईयर ऑफ 2015 से आपका क्या आया? नीति आयोग। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फर्स्ट चेयरमैन कौन था प्लानिंग कमीशन का? ऑप्शन आर सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू एंड मोतीलाल नेहरू। द करेक्ट आंसर इज सी, जवाहरलाल नेहरू, गिरी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट वूमेन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट? ऑप्शन बचेंद्री पाल, अनुरिमा सिन्हा। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, दैट इज बचेंद्री पाल, प्रेमलता अग्रवाल एंड मालावत पूर्मा। नेक्स्ट टू ऑप्शन आर सी, यू कैन सी सी इज अ बचेंद्री पाल। नेक्स्ट, हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, आपसे पूछा है कि यूपीएससी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? एंड द ऑप्शन आर चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ बोथ द हाउस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज प्रेसिडेंट। एंड हु इज द करेंटली चीफ चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी? दैट इज श्री अरविंद सक्सेना। इसका नाम याद रखना, कौन है अभी हमारे यूपीएससी के चेयरमैन? अरविंद सक्सेना। और कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट,
हु स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया था? ऑप्शंस आर सैयद ब्रदर्स, महात्मा गांधी, अली ब्रदर्स एंड मौलाना आजाद. द करेक्ट आंसर इज अली ब्रदर्स. फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट खिलाफत मूवमेंट यू कैन रीड दिस. नेक्स्ट, फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज हेल्ड इन विच ईयर? कब आपके पहले जनरल इलेक्शन हुए थे? द करेक्ट आंसर इज 1950 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था, इंडिया में लागू हो गया था. और कब आपके पहले इलेक्शन हुए थे? 1951 में. नेक्स्ट, गोबर गैस कंटेन मेनली, आपसे पूछा है गोबर गैस मेनली क्या कंटेन करती है? मिथेन, इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज मिथेन. अदर कंपोनेंट भी देख लेंगे हम लोग, क्या है? मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड ऑक्सीजन. नेक्स्ट, विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन? ऑप्शंस आर पेनक्रियास, थायराइड, एड्रेनल ग्लैंड एंड पाइनल ग्लैंड. द करेक्ट आंसर इज पेनक्रियास. सी, अब यहाँ पे डायग्राम में देख लेते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होती है, आपकी अदर ग्लैंड कौन कौन सी हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, ये रही आपका पेनक्रियास. देखिए यहाँ पे ध्यान से, कौन सी ग्लैंड आपकी इंसुलिन सीक्रेट करती है? पेनक्रियास, ओवरी, टेस्टी, थाइमस. नेक्स्ट, इन विच स्टेट वॉज द पंचायत राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड? आपसे पूछा है पंचायत राज सबसे पहले कौन से स्टेट में इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शंस बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा. द करेक्ट आंसर इज बी, राजस्थान. नेक्स्ट, विच इज द वार्म ओशनिक करंट? ऑप्शन आर लैब्राडोर करंट, ओएससीओ करंट, कैनरी करंट एंड गल्फ स्ट्रीम. द करेक्ट आंसर इज गल्फ स्ट्रीम. यू कैन सी गल्फ स्ट्रीम कौन से उसमें चलती है आपकी? अटलांटिक ओशन में. यहाँ पे आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये आपकी गल्फ स्ट्रीम. विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम? आपसे पूछा है कि यूरेनियम का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री है? ऑप्शंस ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, यूएसए, जापान. द करेक्ट आंसर इज कैनेडा. बट यू कैन सी कैनेडा आपके सेकेंड नंबर में आता है, हमारे ऑप्शन में कजाकिस्तान नहीं था, इसलिए हमने क्या करेक्ट किया आपका? कैनेडा. बट नंबर वन में कौन सा आता है आपका? कजाकिस्तान. याद रखना, नंबर वन कौन सी आपकी? कजाकिस्तान. एंड नंबर टू कौन सी आपकी? कैनेडा. हमने यहाँ पे कैनेडा किया बिकॉज हमारे इसमें कजाकिस्तान नहीं गिवन था. नेक्स्ट, आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, सच्चिदानंद एंड स्वामी नारायण. द करेक्ट आंसर इज ए, स्वामी दयानंद सरस्वती. यहाँ पे आप लोग देखेंगे फाउंडेड किया था इन्होंने आर्य समाज एट बॉम्बे इन 1875. यहाँ पे आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन, बहुत ही बड़ा इन्होंने मोटो दिया था बैक टू वेदास, यहाँ पे आप लोग इनके बारे में देख लेना. नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया? ऑप्शंस कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गोवा, असम. द करेक्ट आंसर इज गोवा. यू कैन सी इरा गोवा आपका इंडिया के मैप में, गोवा आपका क्या है? सबसे छोटा है. द करेक्ट आंसर इज गोवा. नेक्स्ट, विच गवर्नर जनरल वॉज एसोसिएटेड विद द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? अभी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप क्या होता था? देखो, अगर किसी स्टेट में राजा का कोई आगे पीढ़ी नहीं है, मतलब कोई उसका बेटा या आगे कोई है नहीं जो गद्दी में बैठेगा, तो वो राज्य क्या होता था? ब्रिटिशर्स अपने अंडर में कंट्रोल कर देते थे. ये कहलाता था आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. अब आपसे पूछा है कौन से गवर्नर जनरल ने इसको इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शंस हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्निवाल. द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड डलहौजी. लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि अगर किसी स्टेट का उत्तराधिकारी नहीं है तो वो स्टेट किसके कब्जे में आ जाएगा आपका? ब्रिटिशर्स के. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने झांसी वाला सुना होगा, तो झांसी की रानी वाला वही है. नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? आपसे पूछा है कि पहली महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट कौन थी? ऑप्शंस एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, उषा मेहता, मैडम कामा. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एनी बेसेंट. अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए ध्यान से, जो पहली आपकी फर्स्ट प्रेसिडेंट थी, वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी, वो आपकी बनी थी एनी बेसेंट. बट फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट अगर एग्जाम में पूछे तो वो कौन थी आपकी? सरोजनी नायडू. और ये जो बाकी आपकी बनी है, सरोजनी नायडू और तीसरी आपकी नीली सेनगुप्ता, ये जो अदर दो वुमेन प्रेसिडेंट एक और बनी है इनके अलावा, उसका नाम है नीली सेनगुप्ता. नेक्स्ट, विच एनिमल ब्रीथ्स थ्रू द स्किन? ऑप्शन स्नेक, फ्रॉग, टॉर्टोइस, डॉल्फिन. द करेक्ट आंसर इज फ्रॉग. एंड अदर एग्जाम्पल आप लोग और देख लेंगे, एक्वेटिक वॉर्म दूसरे हैं आपके एम्फीफिलियस सच एज फ्रॉग एंड टॉर्टोइस. नेक्स्ट,
Who is called the father of economics? Aristotle, Einstein, Adam Smith, Geo Ferre Chaucer's. The correct answer is Adam Smith. Which element is the highest conductor of electricity? कौन सा element आपका highest conductor of electricity? Options: gold, copper, steel and silver. The correct answer is silver. Who is known as the father of Indian Constitution? Options: B.R. Ambedkar, Rabindranath Tagore, Sardar Vallabh Bhai Patel, Jawaharlal Nehru. The correct answer is B.R. Ambedkar. Next, which state has the largest coast in India? आपसे पूछा है कि largest coast कौन से इंडिया में कौन से स्टेट में है? Options: आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र. द करेक्ट आंसर इज गुजरात. देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है गुजरात में, यहाँ पे कच्छ आपका दिख रहा है कोच, ये आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, हु रिटन द बुक इंडिया ऑफ माई ड्रीम? ऑप्शंस: जवाहरलाल नेहरू, लाला हरदयाल, महात्मा गांधी, भगत सिंह. द करेक्ट आंसर इज महात्मा गांधी. नेक्स्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट? ग्रेट बेसिन डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट एंड गोबी डेजर्ट. द करेक्ट आंसर इज सहारा डेजर्ट. ये देखिए आपका सहारा डेजर्ट कहाँ पे है आपका? अफ्रीका में. उससे पहले भी दो हैं आपके, कौन कौन से हैं? एंटार्कटिक डेजर्ट और आर्कटिक डेजर्ट. यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन आपकी नहीं रहती है. नेक्स्ट, आपका सहारा डेजर्ट के बाद कौन सा है? अरेबियन डेजर्ट. थर्ड नंबर पर आपका कौन सा है? गोबी डेजर्ट. कौन से उसमें आपका? एशिया में. यहाँ पर आप लोग देख लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए. ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट यहाँ पर देखेंगे आप लोग, ऑस्ट्रेलिया में है. नेक्स्ट, वट इज़ द मैक्सिमम गैप बिटवीन द टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट? 6 मंथ, 8 मंथ, 10 मंथ, 1 ईयर. द करेक्ट आंसर इज 6 मंथ. एक यहाँ पे टर्म लिखा है देखो, कोरम. इसका मतलब क्या होता है, इस कोरम वर्ड का मतलब? देखिए पार्लियामेंट में आपके दो हाउसेज हैं, एक कौन सा हाउस है आपका? लोकसभा. दूसरा हाउस कौन सा है आपका? राज्यसभा. तो लोकसभा में हमने देखा मैक्सिमम मेंबर आपके 552 होते हैं और राज्यसभा में कितने होते हैं आपके? 250 होते हैं. अब इस कोरम वर्ड का मतलब क्या है? किसी एक सेशन को स्टार्ट करने के लिए, लोकसभा के एक सेशन को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम आप पे कितने मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए? 1/10. यानी कि अगर राज्यसभा का मैं सेशन स्टार्ट कर रही हूँ तो मुझे 250 के कितने मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए? 1/10. यानी कि 250 × 1. तो इसी तरीके से आपका लोकसभा का सेशन करने के लिए कितने चाहिए? 552 का 1/10 कर दीजिए, उतने मेंबर आपके क्या होने चाहिए? प्रेजेंट होने चाहिए. तो कोरम का मतलब क्या होता है आपका? मिनिमम मेंबर रिक्वायर 1/10 टू स्टार्ट एनी सेशन ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा. नेक्स्ट, इन विच ईयर बंगाल वाज रीयूनाइटेड? ऑप्शंस: 1912, 1911, 1909 एंड 1905. सी यहाँ पे ध्यान रखना है कि बंगाल का आपका पार्टीशन कर दिया था, कब किया था आपका? देखो 1905 में. किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था. बट धीरे धीरे फिर बाद में आपका इसको क्या हो गया था, ये दोबारा से रीयूनाइट हो गया था. तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कब ये रीयूनाइटेड हुआ था, तो कौन से ईयर में हुआ था आपका? 1911 में. द करेक्ट आंसर इज बी. एंड पार्टीशन पूछेगा तो 1905, एंड वॉइसरॉय पूछेगा तो कौन था आपका? लॉर्ड कर्जन. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज? ऑप्शंस: रविन्द्रनाथ टैगोर, सी वी रमन, मदर टेरेसा एंड अमृता सेन. द करेक्ट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर. रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके लिए मिला था? लिटरेचर के लिए. फर्दर क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे यहाँ पे. अमृता सेन को किस चीज़ के लिए मिला है आपका? पहला इकोनॉमिक्स में मिला है आपका. मदर टेरेसा को किस चीज़ के लिए मिला है? पीस के लिए मिला है. यहाँ पे देखेंगे सी वी रमन को किस चीज़ में मिला है आपका? फिजिक्स में मिला है. अदर देख ले आप लोग, कैलाश सत्यार्थी को भी आपका पीस में मिला है 2014 में. मेडिसिन के लिए देखेंगे आपको किसको मिला है? हरगोबिंद खुराना को सबसे पहले जिसको मिला है. मौलाना यू